अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादिया खान और ये है सादिया खान शो, जिस शो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत सारी होम रेमेडीज। और मैं आपके साथ वही होम रेमेडीज शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर लेती हूँ, जो कि आप यूज़ करके अपनी स्किन और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। तो आज का जो मैं फेस पैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन लोगों को अपनी स्किन ग्लासी स्किन चाहिए और जैसे कि शाइनिंग करती है, स्किन शाइन करती है, और लोग सोचते हैं यार ये फेशियल करवा के अक्सर लोग पार्लर से निकलते हैं तो तब उनकी स्किन शाइन कर रही होती है, लेकिन हमें पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठ के ही अपनी स्किन को शाइन बना सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करनी है, मतलब तीनों चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा सा फेस पैक रेडी करना है, जिससे आपने फेस पर स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आप फेस को वॉश करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए हम चलकर जल्दी से ये फेस पैक रेडी कर लेते हैं और इसे जल्दी से अपनी खूबसूरत सी स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं। वाली हूँ इस फेस पैक को बनाने वाली हूँ मैं, इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है चावल का आटा। चावल का आटा जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जिन लोगों को कोरियन, आपने देखा होगा कोरियन फेस मास्क जितने भी होते हैं उसमें वो राइस यूज़ करते हैं, क्योंकि चावल हमारी जो है स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्लो बहुत ही अच्छा बना देते हैं। तो इससे जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम भी होती है, वो भी अगर ये जो राइस फ्लोर होता है इसको अपने फेस पैक में यूज़ करते रहते हैं रेगुलर वे पे, तो उनके जो है ये फाइन लाइंस की प्रॉब्लम नहीं होती और स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो जाती है। इससे स्किन बहुत ज़्यादा आपकी जो है निखर जाती है, ठीक है। ये हो गया चावल का आटा। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें यूज़ करूँगी वो है एलोवेरा जेल। आप इसमें मार्केट का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है घर का बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा ही घर में जो है एलोवेरा का जो एक बड़ा सा गमला लेकर हमेशा खरीद के रखती हूँ, क्योंकि एक मैजिकल प्लांट जिसको कहते हैं ना, वो है मेरे लिए, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये मैंने घर का ही एलोवेरा जेल लिया हुआ है, और ये देखिए मैंने इसको निकाला हुआ है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है इसमें मैंने लिया है टमाटर, ये देखिए एक चम्मच के करीब है ये टमाटर जो है, इसमें से ज़्यादा मुझे जूस नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला मैंने ले लिया, एक चम्मच के करीब है। और ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ब्लीच के तौर पे मतलब आपके लिए अच्छा होता है। तो ये मैं तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा पैक बना लेती हूँ, मतलब फेस मास्क जिसे मैं स्क्रब करूँगी तो मैं आपके सामने बना लेती हूँ। जल्दी से हम बना लेते हैं और इसे हम जल्दी से स्क्रब कर लेते हैं। तो ये मैंने जो टमाटर का एक चम्मच के करीब जूस निकाला था, ये मैं इसमें चावल में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और ये है फ्रेश एलोवेरा जेल, और इसको भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ सारा। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जी मास्क तो मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा ये रोज़ वाटर ऐड कर लूँगी, इतना कि ये थिक ही रहे, ज़्यादा पतला भी ना हो। और इसका हम ये मैं पेस्ट बना लेती हूँ। अगर आपके पास जो है रोज़ वाटर है तो आप रोज़ वाटर ऐड कर लें, नहीं तो आप इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। दही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, मेरे पास थी नहीं इस वक्त इसलिए मैंने दही यूज़ नहीं किए। तो ये देखिए ये ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम इसको फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। आपने क्या करना है, ये जैसे मैंने ही अपने पूरे फेस पर इसे स्क्रब किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने स्क्रब करना है अपनी नोज पर, ये चीन एरिया पर जहाँ पे आपको व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको स्क्रब कर लेना। और स्क्रब करने के बाद आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर छोड़ दें, और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें। जी तो आपने देख लिया, मैंने आपके सामने ये स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद मैंने फेस को 10 मिनट के बाद वॉश कर लिया था, और स्क्रब करते हुए मैंने वॉश किया था, और इससे स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और ग्लो तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त ग्लो से मिल जाता है। तो आप कहीं पर भी जाना हो, आप जल्दी से ये फेस पैक बना के जल्दी से स्क्रब करके एकदम से पार्लर जैसा आप निखार पा सकते हैं, वो भी घर पर ही, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।